केजरीवाल साहब की विधानसभा है और यहाँ के जनमानस में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले नई दिल्ली विधानसभा से जीते विधायक हैं, यहाँ की जनता ने अपना पूर्ण समर्थन देकर इनको विधानसभा तक पहुंचाया और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। शुरुआती दौर से लेकर आज तक ना इनका यहाँ कोई कार्यालय है, ना इनका यहाँ कोई सहायक मौजूद है जनता की सेवा के लिए, जनता की मदद के लिए। यहाँ जनता मामूली कामों के लिए तलाशती है केजरीवाल साहब को, चाहे वो बच्चों के दाखिले की बात हो, चाहे अनेक प्रकार की और समस्याएं हैं, लेकिन इस आदमी का कोई अता पता नहीं है। इसके निवास पर जाओ तो इसके सुरक्षा गार्ड मिलने नहीं देते, विधानसभा जाओ तो वहाँ पर आम सामान्य लोगों को मुलाकात का अवसर नहीं मिलता। कुछ चंद दलाल इसने छोड़े हुए हैं अपने, जो यहाँ पर इस नई दिल्ली विधानसभा में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में, जो बड़े पैमाने पर यहाँ करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो इसी के भेजे हुए दलाल हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली से, इस केजरीवाल की मुक्ति के लिए हम दलित शोषित न्याय मंच की ओर से एक विशाल महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस परमपिता परमात्मा से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस झूठे फरेबी बेईमान आदमी से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिले। कोरोना काल में इस नई दिल्ली विधानसभा में इतनी मौतें हुई हैं, इतने परिवारों से बच्चों के माँ बाप चले गए, कुछ के भाई बहन चले गए, और अनेक मौतों के होने के बावजूद इस केजरीवाल को पल भर के लिए भी इस बात का आभास नहीं हुआ कि मैं इस विधानसभा में हुई मौतों पर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करूं, उन शोकाकुल परिवारों से जाके उन्हें ढाढ़स बंधाऊं। इतना भी वक्त इस आदमी के पास नहीं है। यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में ना लोगों को ऑक्सीजन मिल पाया, ना लोगों को अस्पतालों में दाखिला मिला, उनको सही उपचार ना मिल पाने के कारण या नौजवान बच्चों की मौतें हुई, बुजुर्गों की मौतें हुई, महिला पुरुष की मौत हुई, और इसने पूरी दिल्ली को जिस तरह से मौत के घाट उतारा, इसी तरह इसने झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन देकर नई दिल्ली की जनता को भी भारी संख्या में मौत के घाट उतारा। तो मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और उस ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से ये मांग करता हूं कि ऐसे विनाशकारी सोच रखने वाले, ऐसे विनाशकारी मुख्यमंत्री जो अपनी प्रजा का मौत का सौदागर है, इस कोरोना काल में भी मतलब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बंद नहीं हुई, कहीं ऑक्सीजन की कीमतें बढ़ा दी गईं तो कहीं दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी गईं, कहीं इंजेक्शनों की कीमतें बढ़ा दी गईं, और निजी अस्पतालों में जो इसके रिश्तेदारों के अस्पताल दिल्ली में चल रहे हैं, वहाँ इलाज के नाम पर, दाखिले के नाम पर लाखों रुपया लोगों से कीमत बढ़ा दी गई। तो आज दिल्ली में जो मौत कोरोना से जो मौतें हुई हैं, उसमें ये भी एक बड़ा कारण है कि केजरीवाल की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी, और मैं इसका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। और आने वाले जुलाई के सप्ताह में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन नई दिल्ली की जनता करने जा रही है, और उस परमपिता परमेश्वर से दिल्ली की मुक्ति के लिए
ऐसे बेईमान फरेबी मुख्यमंत्री से मुक्ति के लिए महायज्ञ का आयोजन कर रही है।